दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अपने देश में दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, तो शायद सबका एक कॉमन सा आंसर होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट। क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, तो जेवर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो अब खबर आ रही है कि जेवर एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इसे कनेक्ट किया जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में क्या प्लानिंग चल रही है और कब तक ये कंप्लीट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसी महीने यानी कि अगस्त 2021 में ही इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन प्रस्तावित है और इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्ट करना पहले से ही प्रपोज्ड है। साथ ही दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से भी ये एयरपोर्ट कनेक्टेड होगा और यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बनेगा। और अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे से भी जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का प्लान है। और अब खबर आ रही है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ये एयरपोर्ट कनेक्टेड होगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली में दो स्टार्टिंग पॉइंट है। एक तो है गुड़गांव के पास गुड़गांव सोना रोड से, जहाँ से ओरिजिनली ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होती है। लेकिन दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए दिल्ली में DND फ्लाईवे से फरीदाबाद होते हुए सोहना तक एक और कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर का भी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है। इन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा दिल्ली NCR में एक और स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक लगभग 31 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें से लगभग 24 किलोमीटर का सेक्शन हरियाणा में होगा, जबकि लगभग 7 किलोमीटर का सेक्शन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस कॉरिडोर के बनने से सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को ही होगा, इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि लैंड एक्विजिशन में जो भी खर्च आएगा उसे दोनों स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा बराबर बराबर दे। जबकि इस कॉरिडोर का 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है और मात्र 7 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश बराबर बराबर पैसे देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर केवल जमीन अधिग्रहण में खर्च होने वाले पैसे की बात हो रही है, रोड का कंस्ट्रक्शन तो NHAI करेगी अपने फंड से। तो ये एक अच्छा उदाहरण है दो स्टेट के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश तैयार नहीं होता आधे पैसे देने के लिए और ये कहता कि जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में है उतनी ही जमीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अधिग्रहण करेगी, तो शायद हरियाणा इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता, जिससे कहीं ना कहीं दोनों स्टेट को लॉस होता। तो दोस्तों, ये एक गुड न्यूज है और इस कॉरिडोर के बनने से फरीदाबाद सहित उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ट्रेवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा।